कल हम गैलरी नंबर 1 में घुसेंगे और यहाँ का क्या है वो चीज़ देखा जाएगा। वॉर मेमोरियल जो है हमारे सिटी से मेन कुछ यूं ही 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। फिलहाल इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ भीड़ देखी जा रही है उस हिसाब से तो लगता है कि बहुत कम लोग को ये बात पता है। बाघा बॉर्डर बंद होने के कारण हमारा यहाँ ट्रिप तो है जो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो रहा है। फिलहाल जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम आपको वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे। हर एक चीज के मतलब के डर प्रीति निकाल सामान के अभी तो फिलहाल बंद है और 5वां खुला हुआ है, तो थोड़ा सा वीडियो अंदर का हम लोग ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपको वीडियो नहीं बनाना है। पर मैं काफ़ी देर तक वीडियो बनाया, वो मैं पोस्ट करूँगा फिलहाल। उसके बाद अभी अंदर का मैं कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा। इस जगह को फिलहाल थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वरना ये जगह बहुत ही अच्छी है। और जहाँ तक देखा जाए इस जगह के बारे में, तो इसमें पंजाब का जितने भी वॉर हुए हैं प्लस अपने इंडिया का वॉर हुआ है वो सब इसमें है। उसके बारे में बताया गया है कि कौन सा वॉर कब हुआ है और कौन कौन से लोग थे जो शहीद हुए, जो हमारे देश की रक्षा के लिए थे। तो जिस जिस जगह का वीडियो हम बना सकते हैं उस जगह का हम लोग वीडियो बना रहे हैं फिलहाल, क्योंकि कई जगहों का वीडियो जैसे कि गैलरी नंबर हमारा 3 था, 4 तो फिलहाल बंद था। इसकी वजह से बाकी सब जगह की वीडियो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि जो मेंटेनेंस हो रहे हैं उस जगह का वीडियो अभी फ़िलहाल बनाने के लिए परमिशन नहीं है, और बाकी सब जगह के लिए है। तो जहाँ तक का है वीडियो वहाँ तक का हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। विक्रांत, हाँ
फिलहाल ये रही हमारी वॉर मेमोरियल की शान, सबसे बड़ी तलवार। तो फिलहाल हमारा अमृतसर का जो वॉर मेमोरियल का सफर था वो ये खत्म हो रहा है। फिलहाल अभी कुछ ऐसा कुछ पता नहीं है कि कहाँ हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरे जगह का घूमना जो है वो हो चुका है। फिलहाल देखते हैं आगे जैसा होगा वैसे हम आपको वीडियो के थ्रू बताते रहेंगे। फिलहाल तब तक बने रहिए हमारे वीडियो पे।